जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गई आधी रात अब घर जाने दे। दोस्तों ये गीत आपने सुना होगा, बहुत मिसमराइजिंग एक पिक्चर आई थी नागिन, उसमें प्रदीप कुमार और वैजयंती माला थी। यह गीत सुनकर आपको लगेगा कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूं। जादूगर दीपक रोहिला सम्राट रुद्राक्ष अपने आप में एक नाम। आज हम जादूगर दीपक रोहिला रुद्राक्ष, जादूगर सम्राट रुद्राक्ष से बातचीत करना चाहेंगे। जादूगर सम्राट रुद्राक्ष एक नाम जिसने हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर एक रहस्य की दुनिया में रहस्य को आज तक पर्दाफाश नहीं होने दिया। और जादू के बारे में हम जानेंगे कि जादू एक मिसमराइजिंग है, एक हिप्नोटाइजिंग है, नज़र बंद करने का एक ऐसा समा बांधता है जादूगर, या हैंड ट्रिक से हाथ की सफाई है, या कोई दैवीय शक्ति है, या उसकी एक कंसंट्रेशन का एकाग्रचित होकर वो अम्यूज करता है, ऑडियंस को हंसाता है, उनको हैरतअंगेज करता है, उनका मनोरंजन करता है। ये सब बात जानने के लिए हमारे हांसी शहर में, हांसी एक ऐतिहासिक नगरी है, उससे थोड़ा सा दूर हटेंगे और थोड़ा पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक उकलाना मंडी आती है, वहाँ जन्मे जादूगर सम्राट रुद्राक्ष। दीपक रोहिला इनका पैतृक नाम है, इनका बचपन का नाम है। उसके बाद जादू की दुनिया में गए जादूगर रुद्राक्ष, दीपक सम्राट रुद्राक्ष जी। मात्र 32 वर्ष की उम्र 16,000 शो किए पूरे देश में और विदेश में भी गए। जानते हैं इनसे कि जादू एक क्या कला है, क्यों हमें अम्यूज करती है, क्या ये जादुई कला हमारे देश की धरोहर हुआ करती थी, यहाँ से लुप्त होती जा रही, ये सब जानने के लिए हम हमारे बीच बैठे हैं दीपक सम्राट जादूगर रुद्राक्ष से बात करते हैं, और हैरतअंगेज कारनामे भी हम देखेंगे, और हमारे हंसी की आवाज़ की ऑडियंस जो हमारी हमेशा नबज टटोलती रहती है कि कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम लेके आए जिससे हम सबको मजा आए। दर्शकों आपके फीडबैक के अनुसार ही मेरे एडिटर अजय सैनी ने कहा कि कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो आपका मनोरंजन भी हो। हम अक्सर आपको राजनीतिज्ञ से करते हैं, बिल्कुल उनसे लीक से हट के हम बात करेंगे। आप ही के शहर में शो दिखाने वाले हैं जादूगर दीपक सम्राट रुद्राक्ष, जिसे हम कहें जादू की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम मुकाम हासिल करने वाला सम्राट। सबसे पहले तो मैं हांसी की ऑडियंस को नमस्कार करना चाहूंगा। हांसी की आवाज चैनल, हांसी की आवाज जिन्होंने आज हमें यहाँ पर मौका दिया और आप लोगों से रूबरू होने का हमें एक अवसर मिला, इसलिए मैं तहे दिल से हांसी की आवाज चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपको हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि जादू वास्तव में जादू क्या है, जादू एक महान पुराण मतलब एक कलाओं में से एक चुनिंदा कला है जिसका नाम दिया गया है जादू। जादू कोई दैविक शक्ति नहीं, जादू एक हाथ की सफाई, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, योग और साधना जिसे नाम दिया गया है जादू। वास्तव में जो जादू है वो होता है तीन तरह का, वो कौन कौन सा होता है शायद आप भी जानते हैं। हाँ बताइए। शायद नंबर वन जादू हाथों का जादू, नंबर दो जादू आंखों का जादू, और नंबर तीन जादू हमारी बातों का जादू। बातों, सबसे बड़ा जो जादू होता है वो है बातों का जादू। जादूगर लोग क्या करते हैं, अक्सर आपके शहर में आते हैं, आपसे दो बातें करते हैं, आपका ध्यान हमारी बातों में आता है और पीछे से हम उस कला को पीछे से इतना सेट कर देते हैं और वो जादू बन जाता है। और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जादूगर कोई हमें कला का नमूना बताए, जैसे एक छोटी सी कला मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि ये जादू कला। चलो कला से पहले हम आपसे जानते हैं जी, आप इस जादू की दुनिया में कैसे आए, ये छोटी सी उम्र में और 32 साल में आपने 16,000 शो किए हैं, ये किसने प्रेरित किया और कैसे आप इस जादू की दुनिया में आए? तो सर इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक्चुअली मैं सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा और उस दौरान हमारे स्कूल में एक मैजिशियन आए जिन्होंने कभी अपने टोपी से कभी कबूतर निकाला, कभी खाली हाथों से पैसे की बारिश की। पहले तो देखकर उनको प्रेरित हुआ और मेरे मन में एक शौक जागा कि मैं भी ये जादू जरूर सीखूं। उसके बाद मैंने उन जादूगर को बोला
कि जादूगर साहब आप मुझे भी जादू सिखाइए। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा अभी छोटा है, पढ़ाई कीजिए। तो मैंने अपना ध्यान फिर से वहां से मुड़कर पढ़ाई की तरफ लिया और उसके बाद हमारे शंकर जी, हमारे उपलाना एरिया के अंदर जादूगर सम्राट शंकर जी का शो का आगमन हुआ। जिस वक्त मेरे अंकल जी SDO थे ओम प्रकाश रोहिला जी वहां पर, तो मैंने अपने अंकल जी को कहा अंकल जी मुझे जादू सीखना है, तो मुझे प्लीज गुरु जी के पास इनको भेजिए और मेरे को जादू सीखना चाहता हूँ। इस तरह से आप जादू की दुनिया में आया। इस तरह से मैं जादू की दुनिया में आया सर, और वहीं से मैंने अपना जादू सीखने की शुरुआत मैंने वहां से की। जादू बहुत तरह के होते हैं। इंद्र जादू होता है, वो हिप्नोटाइज करता है, कपड़े बदलता है, बॉक्स के अंदर चला जाता है, फिर सामने से हाथ हिलाता हुआ आता है। इस तरह की स्टेज पे से बाइक गायब कर देना, कबूतर बना देना आदमी का, बच्चे के यानी कि वाटर ऑफ इंडिया दिखाना, और इस तरह के कुछ ये आपके अप्रेटिस होते हैं, कुछ सामान होता है, इस तरह की ट्रिक्स होती हैं या फिर नज़र बंद का कोई खेल है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाली जादू ही सब कुछ नहीं होता, जादू में क्या होता है। जादू में सर ये है कि कुछ हिप्नोटिज्म भी है, कुछ हाथ की सफाई भी है, मिसमैनेजम और योग का सबसे अहम स्थान है जादू में। योग वो क्रिया है जैसे हम किसी भी चीज का ऊपर अपना तटक करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी आंखों में एक दिव्य शक्ति जिसको हम बोलते हैं सम्मोहन, वो शिक्षा और वो दीक्षा हमें प्राप्त होती है योग के द्वारा, जिसका हम उपयोग अपने इस जादुमयी शो में करते हैं। जैसे हवा में लड़की को तैरा देना जी, ये सारा आपका सेट तैयार होता है या सम्मोहन शक्ति से किसी कपड़े को ऐसा ऊंचा नीचा बना दिया वो लड़की नजर आने लगती है? सर एक्चुअली बताऊं कि मतलब जादू नाम की तो दुनिया में वैसे कोई चीज है भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि साइंस, जो कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी चीज है, साइंस विज्ञान, विज्ञान की बहुत सी चीजें जिनका हम उपयोग अपने शो के दौरान करते हैं। बाकी कुछ हिप्नोटिज्म चलता है और योग और साधना हमारे लिए आगे रहती है, क्योंकि सारी चीजें हाथ की सफाई भी नहीं कह सकते कि सभी हाथ की सफाई होती है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अब बहुत से लोग कहते हैं जादूगर साहब आप अपने आप को बीच से काट लेते हैं, दोबारा जिंदा कैसे हो जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। बट हम तो कलाकार है, ये तो डॉक्टर के बस की बात नहीं कि एक इंसान को काट के उसके दो टुकड़े करके उसको दोबारा जोड़ दे, पर हम तो एक कलाकार है, इसलिए आप जादू को सिर्फ एक कला ही मानिए। जब आरा चलता है एक जिंदा लड़की पे, एक जिंदा इंसान पे, ऊपर से आरा मशीन चलती है जैसे आवाज आती है, जादूगर का दिल धड़कता है या नहीं? दिल तो इतना धड़कता है जी, मतलब क्या करे, फिर अपने ऊपर एक विश्वास, जब तक इंसान में विश्वास है तो नामुमकिन को हम मुमकिन कर दिखाते हैं। ऊपर से जो हमारी ऑडियंस है, हमारे प्यारे दर्शक हैं, उनका सहयोग इतना मिलता है, तालियों की गड़गड़ाहट, मन खुशहाल हो जाता है, ताकि उसमें कहीं जान भी चली जाए तो उसका भी डर हमें बिल्कुल नहीं रहता। जादूगर आएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कब आएगा? तो आपके शहर हांसी में हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, 27 सितंबर से हमारा पहला शो आपके हांसी के आदर्श प्लेस में हम दिखा रहे हैं। शाम 7:30 बजे हमारा पहला शो का शुभारंभ होगा और इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हमने बुलाए हैं वो है श्रीमान मनोज राठी जी, आम आदमी पार्टी से जो इंसान है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, उनको हमने एज अपना गेस्ट उनको यहाँ बुलाया। इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है सर वो, ताकि हम उनसे मिले, उनसे उनका परिचय हुआ तो हमें लगा कि बहुत अच्छे इंसान है, कि उन्हें हम इनसे अपना सहयोग आपके हाथ से मिल लिए, तो हमें हमारा बहुत सत्कार यहाँ पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहूंगा मनोज राठी जी को मैं। आप इस शो का यानी कि चैरिटी में भी कुछ जाते हैं क्या? सर एक्चुअली ये कि मैं अपना पूरा शो, मतलब जहाँ भी मैं कहीं जाता हूँ अपना पहला पूरा शो चैरिटी के नाम देता हूँ। कहीं पर रेड क्रॉस है, कहीं पर NGO है, कहीं पर बाल भवन है, मैं अपना सीधा एक बात ही बोलता हूँ कि मेरा पहला शो चैरिटी, मेरे शो की जो भी इनकम आए वो चैरिटी के लिए। जादूगर अक्सर ग्लैमरियस लड़कियां रखते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, दर्शकों का उनको नचवाते हैं, डांस करवाते हैं, क्या आप भी ऐसी ग्लैमरियस लड़कियां रखते हैं क्या? एक्चुअली सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर मेरे शो में आपको कोई भी अभद्रा प्रश्न देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, मैंने अपनी पहचान बनाई है अपने जादू से, हुनर से, अपने हुनर से, अपनी कला से, सबसे पहली बात तो यही है। और सेकंड, हाँ, दर्शकों के लिए मैंने एक खास चीज रखी है, सभ्य प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम है मेरा, जिसमें फैमिली भी आकर के ध्यान से देखे और अच्छे दिल से देखे और हर आइटम पे मेरी ताली बजे, उसमें मैं जितना खुश होता हूँ जितना डांस करवा के मेरे को खुशी। जादूगर रोहिला सम्राट रुद्राक्ष, आप हमें 2-3 ट्रिक्स
बता दिखा दे जाए हमारे दर्शकों को, और एक ट्रिक हमारे एडिटर महोदय को सिखा दे भी जाए। जी जरूर 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 एडिटर साहब, मतलब कि बहुत बहुत मैं भी चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस भी कुछ देखे यहाँ पर आज, हमारी ऑडियंस भी कुछ देखे, और बाकी का शो हम आपके वहाँ प्रेजेंट करेंगे, और जरूर एक बार आए और अपने भाई का आशीर्वाद और हौसला जरूर बढ़ाए। हमें बताएं कि जादू कैसे होता है जी। ये मान लिया मैंने 5 का सिक्का दिया आपको हाथ में, चलो मैंने आपको, चलिए आप मेरे को 5 का सिक्का दे रहे हैं, मैं इसे कर दिया जी, आपको जरूर डोनेट कर दिया। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे 10 का नोट डोनेट कीजिए। 5 में काम चला, नहीं 10 का नोट डोनेट कीजिए सर, उसके बाद होगा जो होगा, क्योंकि बिना रिश्वत लिया तो कुछ आजकल कुछ चला है क्या? ये मेरे 15 आ गए आपके पास। वाह जी वाह, क्या बात है सर। चलिए देखिए, मेरे पास एक मैंने सर से 10 का नोट लिया। 10 का नोट लेने के बाद मैं 10 के नोट को क्या करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं इस 10 के नोट को फाड़ रहा हूँ। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडियन करेंसी को फाड़ना कानूनी जुर्म है, अपराध है, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, कहीं आप भी मेरी तरह नोट को फाड़ दें, क्योंकि ऐसा करने पर सजा भी हो सकती है और आपको जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन हम कलाकार है, कलाकारों का कुछ नहीं जाता। नोट कौन ने फाड़ा? डकार डकार। और इस तरह से नोट को फाड़ने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, नोट को थोड़ा सा ऐसे फोड़ किया, थोड़ा सा ऐसे फोड़ किया, चुटकी बजाया और अपना थोड़ा सा कमाल दिखाया। आप देखेंगे कि नोट बिल्कुल वैसे का वैसे है जैसे मेरा नोट। इसके नंबर सेम है क्या? जी बिल्कुल, आपके नंबर वही है सर जो आपने नोट मुझे दिया, बट आप देखते रहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नोट तो आपने देखे होंगे लेकिन कभी 10 का नोट कलर चेंज होता होगा कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। सो मैं आज आपके कैमरे के सामने एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पर मैं आपसे बैठा हूँ, ज्यादा 2-2.5 फुट की दूरी होगी, तो बिल्कुल मैं और करीब आता हूँ। देखिएगा मेरे पास एक 10 का नोट बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैं फ्री हैंड बैठा हूँ आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और नोट को मैंने थोड़ा सा ऐसे हिलाया, थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ और हाथ को ऐसे हिलाता हूँ, और जैसे मैं अपने हाथ को खोलता हूँ तो आपको वही 10 का नोट कलर चेंज होकर 500 का बनता हुआ। हाथों को जरा ऐसे हिलाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 500 का नोट था, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे 500 के नोट आ जाते हैं, वो भी कुछ मैं चाहूंगा कि आपसे एक गुजारिश करूंगा, इंतजार करूंगा कि जितने भी ये करेंसी आए यहीं छोड़ के जाए। वाह जी वाह, क्या बात है सर। एक्चुअली हम आपको इतने ही दुआ दे सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। चलो इसको मैं आपके मां समझ के अपने जेब में कुछ देख ले, क्या डाल लेते हैं। बात क्या बात है। और कहिए सर, बहुत हैवी लग रहा है बड़ा। थैंक यू। आप ये इससे क्या बनाने जा रहे थे? हां सर, आपने कहा था एक कॉइन आपके पास है, सो वो कॉइन मैं आपके पास से आपके हाथ से ले लेता हूं, और मैंने इसको अपने हाथ में रखा जी। और हाथ में रखने के बाद आप ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में क्वाइन है, मैं इस पर कुछ नहीं करता, यहाँ से उठाकर सिर्फ यहाँ रखता हूँ, आप मेरे हाथ ऊपर से पकड़ लीजिए, कुछ नहीं होता कि ये क्वाइन यहाँ से मेरे हाथ में आता, तुम्हारे आपके हाथ से आ रहा है। ये है जादू की कला, हाथ की सफाई जिसे कहते हैं हैंड ट्रिक्स। एक और देखो, और हाँ ये एक माचिस रखी है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस में ऐसे दो भाई हमारे पास, प्लीज मैं इसमें से एक तिली और ये दूसरा तिली, दो तिली मैंने इस माचिस से निकाला है, और दो तिली निकालने के बाद हम क्या करते हैं, माचिस को साइड पर रख देते हैं, और आप एक अपना हाथ आगे कीजिए, एक तिली को मैंने इनके हाथ में रख दिया एग्जाम्पल, दूसरी तिली को मैंने दूसरे भाई के हाथ में इस तरह से एग्जाम्पल, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप हो जाए ताकि ये ना लगे कि किसी को उठा के वहां से वहां कर दिया। दोनों हाथों में एक एक तिली रखा हुआ है और आप इनको जरा गौर से देखिए। अब ये बताइए कि ये तिली उठकर यहां से यहां आनी चाहिए, ये तिली उठकर यहां से वहां जानी चाहिए, ये वाली उधर कर दीजिए, ये वाली उधर, ये लीजिए कर दी। पर ये कुछ जादू नहीं हुआ, ये तो मजाक की बात हो गई। लेकिन ये जादू कैसे होता है, ये तिली यहां है और वो तिली वहां है,
इस दिल्ली को उठाकर हम अगर ऐसे बैठे तो जादू नहीं हुआ और मेरा ये हाथ यहाँ से यहाँ गया, पर एक दिल्ली कहाँ है? यहाँ से देखिएगा, यहीं पर है। आपके हाथ में अभी तक वही दिल्ली है, मैंने अपना हाथ रखा, दूसरे तिली पर हाथ रखा आपका, तो यहाँ से देखिएगा तिली किस तरह से ट्रांसमिट होती है। 1 2 3 भाई साहब कुछ महसूस हो रहा है? यस, यहाँ से ये देखते देखते दोनों तिलियां यहाँ से यहाँ। दीपक रोहिला सम्राट रुद्राक्ष का पूरा नाम है, उन्होंने बताया कि ये शो करने जा रहे हैं यहाँ से। दीपक जी, सम्राट जी, रुद्राक्ष जी का तीन नाम से आपको पुकार रहा हूँ। जी, आपने हमें टैक्टिक्स दिखाई, आपने रुमाल का शो हम नहीं देखेंगे आपको। आप यहाँ क्या एक नया आइटम दिखाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जरूर बताऊंगा। सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर, कौन सी तारीख को आप शो करेंगे? 27 सितंबर से मेरा पहला शो है, शाम 7:30 बजे पहला शो होगा आदर्श पैलेस। आदर्श थिएटर में। जी बिल्कुल। और सबसे पहले जो मेरा तात्पर्य है इस शो को लेकर, आजकल के युग में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से बेटियों को कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर मारा जाता है, जब इंसान को पता चलता है, मतलब इंसान की फितरत हो गई है बेटियों को मारना, जो कि मेरे भारत में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, एक कलंक है मेरे भारत में। और जिस दिन ये कलंक मिट गया उस दिन मैं अपने आप को सफल मान लूंगा, क्योंकि इसी तरह से मैंने अपने जो भी आइटम है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, अपना भविष्य बचाओ, कल बचाओ, तो इस तरह के एग्जांपल मैं इस तरह से, मतलब कि अपने हर एक आइटम के साथ हर एक उद्देश्य को मनाकर चल रहा हूं, ताकि मेरे देश में फैली जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, वो मैं जड़ से खत्म कर सकूं। और इसमें जो मेरा मुख्य आकर्षण रहेगा, जो पहले भी शो आपने देखे होंगे, काफी जादूगर आपके यहाँ पर आए हैं, उनके मतलब कोई कुछ दिखाता है कोई कुछ, सबसे मेरा बेहतरीन आइटम रहेगा आपके यहाँ पर 3 घोस्ट, यानी जिसको बोलते हैं जापान से लाए हुए 3 भूत। 3 भूत कैसे होते हैं वो आप अपनी आंखों के सामने देखेगा, और जो उसके बाद बोलते हैं आपके सामने पर गोरिल्ला आता है, गोरिल्ला, हालांकि एनिमल्स पर आजकल पाबंदी है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई एनिमल्स, हम जी बिल्कुल, फिर भी आपके सामने एक गोरिल्ला आता है भाई, मैजिक वो कैसे आएगा वो भी हम आपको वहीं पर दिखाएंगे। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर पहले मेरी जो विशेष आइटम में था गाड़ी गायब करने का था, लेकिन जब मैं यहाँ थिएटर में आया तो मैंने देखा कि गाड़ी यहाँ पर गायब नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती, तो इसलिए मैंने अपना उद्देश्य चेंज करके मैं यहाँ पर आपके सामने पलच बकते बाइक को गायब करके दिखाऊं। आज हमारे एडिटर साहब ने ही बुलेट लेके आए, इसको महफूज रखना, इसको गायब मत करना। सर कमाल करते हैं आप तो हमसे भी ज्यादा, मतलब जादूगरी वाली बात भी आ गए, अगर अपने लोगों के हम बाइक गायब करेंगे तो फिर हमारे अपने कहां जाएंगे। चलिए ये रहा आइटम की बात, बस मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ कि एक पीसी सरकार हुए किसी जमाने में, जादूगर जादूगर शंकर सम्राट हुए, और एक फॉरेन के जादूगर जो यहाँ आए थे इंडिया में यूएसए से, जी बिल्कुल, तो उन्होंने भी आपको टिप्स दिए होंगे, आपके भी शो फॉरेन में हुए होंगे, कौन कौन से देश में गए आप? सर मैं अपने हिंदुस्तान से बाहर 2 ही जगह पे गया हूँ, ईस्ट अफ्रीका और ब्रुंदी, 2 ही जगह पे मैंने अपने हिंदू समिति के लिए अपने चैरिटेबल शोज वहाँ पे किए हैं, और महाराष्ट्र, बेंगलोर, अपने गोवा, रांची, मतलब झारखंड, मतलब पूरा हिंदुस्तान। तक कितने शो कर चुके आप? 16,000+ शो अपने 32 साल की एज में मैं यहाँ कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंट अपने। और जहाँ तक कि आपका आशीर्वाद और प्यार रहा, तो आगे बहुत जल्दी एक ओपन कारनामा करने वाला हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट हिसार में, जिसमें कि क्या होगा, मेरे ऊपर से जल्द मुझे बेल से बांधा जाएगा, 31 तालों के बीच बांधा जाएगा, उसके अंदर मुझे बक्से में बंद करके एक क्रेन से उठाकर बक्सा ऊपर से ब्लास्ट किया जाएगा। अगर जिंदा रहे तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, वरना फिर सब आप लोगों की दुआ या आशीर्वाद है ही, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो जादू एक कला है, मैं आपको बार बार ही कह रहा हूं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, रिस्क कलाकार वही होता है जो तालियों की गड़गड़ाहट के लिए अपनी जान की परवाह करता है, तो बस वही जुनून मेरे अंदर है, और आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम रहा तो उस आइटम में मैं जरूर सफल होऊंगा, और बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जादूगर सम्राट रुद्राक्ष, कलाकार ज्यादा पेट का भूखा नहीं होता है, कलाकार तालियों का भूखा होता है, उसे तालियों की जब गड़गड़ाहट सुनती तो उसकी कला और निखर कर आती है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, ऐसे ही प्रतिभावान, और ये इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये अपने ठेठ हरियाणी में भी बोल के दिखाएं, ये कहीं नहीं और मेरी ससुराल पक्ष के उलाना के ही रहने वाले हैं, और वहीं से निकल कर ये देश विदेश में अपना नाम, एक मुकाम हासिल किया जादूगर सम्राट ने, और अपने
ही यानी कि साथ लगते शहर ऐतिहासिक नगरी हांसी में अपने शो करने जा रहे हैं। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो। तो हमारे ये चैनल को बिल्कुल जानते हैं। तो दोस्तों ये था एक बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम, आप भी देखिएगा, अपने नौनिहालों को भी दिखाइएगा, अपनी फैमिली के साथ देखिएगा। हम इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम कोई इनसे नहीं, आप खुद तारीफ करेंगे, खुद थिएटर में जाके इनके शो में जाके तालियां बजाएंगे, अम्यूज होंगे तो मज़ा आएगा। हम तो इतना ही कहते हैं कि चले जाते हैं तेरी मेहनत से, हम अगर दिल घबराए तो जादूगर को जरूर देखिएगा, जादूगर रुद्राक्ष को जरूर देखिएगा। हमारी शुभकामनाएं, आप हमारे चैनल पर आए हंसी की आवाज़ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शो कामयाब हो और हंसी शहर में यादगार बनकर जाए। हमारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।